वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंद जान में आपका स्वागत है। ऊपर वाले के रहमो करम से और आपकी दुआ के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। भाइयों आज का कमेंट गुज्जर भाई, ध्यान से सुनना दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना भाई ने क्या कमेंट किया, आपके काम आएगी ये बातें जो हम सिखाते हैं। अगर आप हमें फॉलो करते हो ना तो मेरी बात जरूर सुनना और इन बातों को फॉलो करना, हम क्या समझा रहे हैं आपको। तो मेरे चेहरे पर यहां पर ये जामनी कलर की लिचक पड़ रही है, यहां LED चल रही है। तो दोस्तों कहने का मतलब, गुज्जर भाई ने कमेंट किया इमरान भाई आपका नंबर भी नहीं लग रहा है, व्हाट्सएप पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है और मेरे घर नस्ल भी नहीं बन पा रही है और ना ही कोई अच्छी नस्ल के कबूतर मिल पा रहे हैं, तो मैंने इस साल बाजी भी नहीं खेली, प्लीज मुझे कोई अच्छा सा जोड़ा दिला दो। ध्यान से पॉइंट करें, नोट करें इस पॉइंट को, भाई ने क्या कहा, अच्छी नस्ल नहीं बन पा रही, अच्छे कबूतर भी नहीं मिल पा रहे, और सबसे बड़ी बात दोस्तों ध्यान दो क्या कह रहा है वो, क्या कि साल मैं बाजी भी नहीं खेल पा रहा। नोट कर रहे हो कुछ बात, बाजी, हम जबकि आपको इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतनी बातें बता रहे हैं कि पहले नस्ल पर फोकस करो, पहले आप इन बातों को सीखो, कबूतर क्या चाह रहा है। कबूतर जब तक आप कबूतर को पढ़ना, कहते हैं ना एक सिलेबस है, जब तक आप उस किताब को नहीं पढ़ लोगे तो पेपर में आप जवाब नहीं दे पाओगे, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो पेपर में नहीं दे पाओगे, उसकी पूरी नॉलेज नहीं होगी आपको। इसी तरह दोस्तों कबूतर है, जब तक कबूतर की पढ़ाई आपको नहीं ना आएगी, कबूतर को आप नहीं जानोगे कि अच्छी नस्ल का कैसा दिखना चाहिए, इसके अंदर कौन सा पहला लेसन है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कहने का मतलब कौन सा पहला इसका भाग है कि इसमें यह क्वालिटी होनी चाहिए, दूसरा भाग कौन सा इसके शरीर का जहां यह क्वालिटी होनी चाहिए, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा, छठवा, सातवां, सातवां, आठवां, कहां लेसन होता है ना किताब में, फर्स्ट लेसन, सेकंड, थर्ड, ओ सॉरी हिंदी में पहला लेसन, ओ सॉरी फिर वही इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में आते हैं भाग एक, भाग दो, भाग तीन, चार, पांच, छह, मतलब जितने भी उसके पार्ट होते हैं किताब के सारे याद करने पड़ते हैं, तब जाके आप अपने पेपर में हर क्वेश्चन का सवाल दे पाते हो। गलत तो नहीं कह रहा मैं, तो ऐसे ही कबूतरों में ऊपर से शुरू हो जाओ, जैसे हमने कबूतर की पहचान के बारे में ऊपर से लेके नीचे तक 15 पार्ट बना दिए, बनाने को ना दोस्तों 20 पार्ट बना देता मैं, मगर लोबा कहता रहे इमरान भाई जिस मुद्दे को लेके बैठते हैं उसके पार्ट ही बना डालते हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। हकीकत में अभी भी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर मैं पार्ट बनाने शुरू कर दूंगा, मगर लोग बाग ना उस पर कमेंट करते हैं, यार इमरान भाई यार आप हर बात पे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री बनाना शुरू कर देते हो। तो आप जब तक कबूतर को पढ़ोगे नहीं, उसके बारे में नॉलेज नहीं लोगे, जब तक उसकी पूरी जानकारी नहीं होगी कि हां ये कौन सी नस्ल है, इसकी हड्डी क्या कह रही है, इसके आंख का रिंग क्या कह रहा है, ब्रीडर रिंग है, बच्चे इसके घर वापसी करेंगे, जो ऊपर का पहला फर्स्ट रिंग होता है काला रिंग, क्या बच्चे इसके घर वापसी करेंगे, क्या घर के पक्के होंगे, उसके बाद का रिंग, आंखों के जर्रात, क्या ये हाई फ्लायर है, डूब के उड़ता है, कितना आसमान में, कितने टेम्परेचर में उड़ता है, बिल्कुल हाई टेम्परेचर में उड़ता है, इतने जर्रात इसके फटे हुए, उसके बाद उसकी जमीन बिल्कुल साफ, इतनी छत का पक्का है, इतनी गहराई में जाके उड़ता है, उसके बाद का रिंग बिल्कुल कुआ गहरा, बिल्कुल आसमान में डूब कर उड़ता है भाई। जब तक आपको इन बातों की नॉलेज नहीं होगी, आप कैसे कबूतर उड़ा लोगे, कैसे बाजी खेलोगे, कबूतर का पता ही नहीं, नस्ल का पता ही नहीं, मैंने इस साल बाजी नहीं खेली इमरान भाई, मेरे पास कबूतर ही नहीं थे, कबूतर का पता ही नहीं, आप बाजी खेलने बैठ जाओ, क्या यार थोड़ी बहुत समझदारी रखा करो। देखो इसलिए मैं कहता हूं प्लीज, सबसे पहले कबूतर की, देखो हमने अभी पीछे वीडियो डाली थी, कबूतर जल्दबाजी मत करो खरीदने में, इतने माहिर हो जाओ ये उंगली करने वाले बन जाओ, ये उंगली लड़ाई झगड़े करा देती, ये उंगली
देसी घी भी डब्बे में से निकाल देती है। मजा आ गया रोटी पे और सब्जी में लगा के खा रहे गया। तो कहने का मतलब, अगर आप छतों पे जाकर के यूं कहते हो ना, भाई साहब ये कबूतर चाहिए, यही चाहिए, भाई की सांस अटक जाती है। अरे यार ये तो मेरा मेन कबूतर है, शाम शाम उड़ता है, इतनी उड़ान देता है ये, आपने किसकी तरफ उंगली कर दी भाई। ऐसे बनो आप, इतनी नॉलेज हासिल करो, कबूतरों के अंदर इतने घुस जाओ कि दूर से भी देख के बता दो यार ये है चीज। मगर फाइनली उसका फाइनली रिजल्ट, कहते हैं ना फाइनली रिजल्ट जो आता है हाथ में आके पता लगता, ओहो ये बटा नील रहेगा और ये बटा पास होगा, ये नेगेटिव रह गया, ये पॉजिटिव रह गया, ओहो। होता है ना ऐसे ही कबूतर हाथ में आने के बाद पता चलता है, और नीचे की हड्डी कि हाँ ये नुक्से पे रुकेगा भी, छत पे भी रुकेगा और घर भी आएगा ये। जब तक आप इन बातों में माहिर नहीं हो जाते, जब तक आपकी छत पर नस्ल नहीं बनेगी, खिचड़ी बन के रह जाएगी, और खिचड़ी से मजा नहीं आता, उसमें चटनी भी चाहिए, देसी घी भी चाहिए, तिल का तेल भी चाहिए, कई चीजें डाल दे तब चटनी में मजा आता। कहने का मतलब, छत पे खिचड़ी कबूतर भी होते हैं, उसमें फिर अच्छे नस्ल के कबूतर भी चाहिए, अच्छी उड़ान भी चाहिए, तब जाके मजा आता है, मगर बीच में तो खिचड़ी होती ना, ये चीज खत्म होनी चाहिए। एक नस्ल बनाओ, नस्ल कब बनेगी, जब आप पहचान करना सीखोगे। और ये आज के बाद ऐसे कमेंट मत करना मेरी तरफ, नस्ल का पता ही नहीं कि पहचान क्या है, ठीक है, और छत पे खिचड़ी है। इमरान भाई मैं बाजी खेलना, मैंने बाजी लगानी, बाजी की तैयारी करनी, इमरान भाई कोई अच्छे कबूतर दिला दो, ठीक है, और मैं बाजी खेल लूंगा। मतलब हम आपको दिला दें अच्छे कबूतर और आपको पता ही नहीं वो कबूतर में खासियत क्या, वो उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, वो क्या चाह रहा है कि मैं उड़ूंगा या नहीं उड़ूंगा, आप बाजी खेलने के लिए तैयारी कर लो। हकीकत में दोस्तों देखो, नस्ल के ऊपर फोकस करो, आने वाले टाइम में हम आपको बाजी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। मैं ये बातें अभी नहीं खोल रहा इसीलिए क्योंकि ये जो छोटे छोटे से कबूतरबाज है ना, ऐसे ही इसी सोच के भाई के कि अच्छे कबूतर नहीं मिल पा रहे, अच्छी नस्ल नहीं मिल पा रही, एक अच्छा जोड़ा दिला दो, ठीक है, इस साल बाजी नहीं खेली, अगले साल बाजी खेलेगा, कबूतर का पता नहीं, बाजी खिलवा लो, माथे पे टीका लगवा लो, हार गया, कबूतर का पता नहीं, गले में मेडल टांग लो, हार गया। क्या यार आदमी है पजामा, ऐसे काम नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। कबूतर की पूरी परख कर लो कि हाँ ये कबूतर काम का है, ये कबूतर उड़ान देगा अच्छी। जल्दबाजी मत करो ना, तो खरीदने में जल्दबाजी करो, जैसा मैंने वीडियो में पीछे मना कराया, सेल वाली वीडियो डाल रहा हूं, मगर ये नहीं कि डाल दी वीडियो तो खरीद लूं, नहीं, पूरी परख करनी सीखो, रात दिन एक कर दो वीडियो को देखने में कि हाँ हमें कबूतर में क्या देखना है, जाके अपने कबूतरों को पकड़ो, चेक करो, अगर उनमें वो क्वालिटी है रखो, नहीं तो बेच दो, सेल कर दो, निकाल दो उनको, काहे दाना डाल रहे हो आप। नस्ल बनाओ, नस्ल से ही बाजी लगेगी, और बाजी ऐसे नहीं लगेगी, क्योंकि देखो बहुत सी बातें हम नहीं ओपन कर रहे बाजियों की, क्योंकि अगर हमने बाजी की बातें ओपन कर दी ना, तो ये भाई नस्ल नहीं बनाएंगे। मैंने पहले ही बताया ना, ये घोड़ों वाले नुक्से ना गधों को लगाएंगे, और गधे कभी बाजी नहीं जीता करते हकीकत में। छोटी छोटी हिंट मैंने कई वीडियो में दे रखे हैं कि कबूतर अच्छा खासा उड़ता हुआ, ध्यान से सुनना, एक बार फिर हिंट दे रहा हूं मैं, आपकी छत पे कबूतर एक उड़ रहा है, सुबह का उड़ावा शाम को फिर तुम्हें बाजी की तैयारियों से पहले, वो सुबह का उड़ावा 3 बजे 4 बजे आ रहा है, पूरा टाइम फुल टाइम दे के आ रहा है, सुबह का उड़ा हुआ कबूतर 3 बजे 4 बजे आ रहा है, आप फुल कॉन्फिडेंस हो गए कि हाँ यार ये कबूतर पूरा टाइम मार रहा है, ये बाजी तो मैं जीतूंगा, हम जीतेंगे इस बाजी को, क्यों मेरे पास 3 कबूतर 2 कबूतर ऐसे 4 बजे 5 बजे आ रहे, सामने वाले की तो मैं खाट खड़ी कर दूंगा, मैं इसकी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और बाजी वाले दिन वो कबूतर जो है सुबह ही उड़ाया, सुबह बैठ गया 9 बजे 8 बजे बैठ गया, बैठता है ना, देखा ना आपने अपनी आंखों के में, अपने आस बगल अगल बगल कहीं की बाजी में देखा ना, किसका यार ये कबूतर सुबह सुबह का उड़ा हुआ 3 बजे 4 बजे आ रहा था, अब अचानक से ये 1 घंटे में बैठ गया, क्यों बैठ गया मालूम है कुछ? सस्पेंस रहने दो, नस्ल बनाओ, फिर इन बातों को मैं ओपन करूंगा, क्यों बैठ गया वो? क्योंकि मैंने अभी हम बिजनौर गए हुए थे, वहां पर भी, दिल्ली में भी, वहां पर भी, और अपने पंजाब में भी कई जगह हम गए थे अपने मिलने वालों पे जिन्होंने बाजी खेली थी, तो उनको मैंने फर्क समझाया कि
कि ये क्यों हुआ ऐसा, हिल गए सुन के, यूं कह रहे यार आज तक तो हमें ये बात कभी हमारे उस्ताद ने भी नहीं बताई, तो ये किसने बताई इमरान, तेरे दिमाग में कहां से आ गई, तो हमने किसी ने ये बात नहीं बताई थी। हकीकत दोस्तों ये बात हमें किसी ने नहीं बताई थी, हमने कबूतर को पढ़ा, पकड़ा, देखा, चेक किया, क्या हुआ, काहे तू शेर बना फिर रहा था और एकदम से गीदड़ बन गया, क्या बात हुई, तो हमने कबूतर को पकड़ा, पढ़ा, जायजा लिया उसका, और बहुत सी बातें जो उन्हें नहीं पता था वो हमने उनको बताई, क्या कमी हुई थी जो आपका कबूतर एक घंटे में आ गया। जब हमने उनको उसमें फर्क बताया तो उन्होंने खुद कहा कि हाँ यार इमरान दिमाग ने नहीं काम किया, अगर शायद मैं ये काम कर लेता मैं बाजी जीत जाता यार। हकीकत में उन्हें टेंशन होगी, काश तो इमरान मुझे एक दिन पहले मिल जाता ना और मेरे घर तो कबूतर उड़ते हुए देख लेता, या तो मुझे आके बता देता है इस कबूतर के बारे में, तो शायद मैं इसे सेट कर लेता, और ये जो टाइम दे रहा था ना कम से कम 3-4 बजे भी आता मैं जीत जाता, क्यों सामने वाले के कबूतर तो 1 या 2 बजे बैठ गए, मेरा तो 4 बजे आ रहा था, यो अरे साला 1 घंटे में बैठ गया, हो गई ना गलती, तो यही गलती है आप कर रहे हो। तो प्लीज भाई आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाइए, बुरा मत मानना, देखो यही गलती जो आप कर रहे हो, मैं चाह रहा हूं कि ये गलती कोई भी भाई ना करे, कहने का मतलब नस्ल बना लो, नस्ल बनाओ, बाजी ना लगाओ, अभी जब अभी तो नस्ल बन रही है, ध्यान से सुनना, अभी तो नस्ल बन रही है, नस्ल की परख हो रही है, उड़ान की नॉलेज नहीं है अभी, उड़ान के बारे में भी आपको बहुत बातें बताएंगे आपको, ठीक है, तो पहले नस्ल पे फोकस करें, घर घर नस्ल करवा दो, जितनी आप चाहते हो कि जल्दी से उड़ान के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए, बाजी के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए, तो जोर लगा दो घर घर नस्ल बनाने पे कि घर घर नस्ल हो जाए, हो जाए, झंडा गाड़ दो कि घर घर नस्ल, मेरे घर भी नस्ल, तेरे घर भी नस्ल, उड़ान होगी नस्ल से नस्ल की, गधों से घोड़े नहीं उड़ाने, जैसे अब चल रहा है ना बहुत से उस्ताद यूं सिन्ना तान के बैठे हैं, आ जाओ भाई मेरा झंडा खड़ा, कौन कौन उड़ा रहा है, 1 लाख की, 101 कबूतर की, 251 कबूतर की, 1051 कबूतर की, 2051 कबूतर की, आ जाओ कौन उड़ा रहा, भैया तेरे पास तो शेर है, तूने तो भैया आवाज उठा दी कि आ जाओ कौन उड़ा रहा, कौन उड़ा रहा, सामने वालों ने तो गधे बांध रखे हैं, कौन आवाज कर लेगा, तुमने तो भाई नस्ल बना ली, 1000-2000 कबूतर तुम्हारे पास नस्ल के शाम शाम उड़ने वाले हैं, सामने वाले के पास तो 20 कबूतर है, कैसे उड़ा लेगा, मगर ये फर्क हमें खत्म करना है दोस्तों, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ, घर घर नस्ल करवा दो, आने वाले टाइम पे नस्ल से नस्ल उड़वा दो, तब आएगा मजा देखने में कि यार अब आ रहा है मजा टक्कर का, गलत तो नहीं कह रहा, कहने का मतलब रेसलिंग में उतर के अंडरटेकर खड़ा या शॉन माइकल खड़ा है या जॉन सीना खड़ा है उसके सामने अगर आप मुझे खड़ा कर दोगे मेरी तो वैसी चटनी बन जाएगी, गलत तो नहीं कह रहा मैं, ऐसी बाजियों में होता है, उड़ने वाला कबूतर शाम शाम उसके सामने आप एक बेकार कबूतर उड़ा दोगे कैसे जीत जाओगे, इसीलिए कहते हैं पहलवान से पहलवान को लड़ाओगे तभी जीतेगा, ये थोड़ी जॉन सीना के साथ इस इमरान को लड़वा दोगे तो क्या होगा भाई, मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा यार, तो ऐसे कबूतरों में भी होता है, उड़ान वाला कबूतर जो बादशाह कबूतर उड़ रहा है उसके साथ आप टुच्चा मुच्चा उड़ा दोगे अपनी बेइज्जती करा लोगे, तो पहले नस्ल पे फोकस करें, नस्ल बनाए, घर घर झंडा गाड़ दें, नस्ल 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 नस्ल, फिर आएगा मजा, तो कौन कौन भाई नस्ल पर फोकस कर रहा है, अपने घर नस्ल तैयार कर रहा है, और जिन भाइयों ने अपने घर नस्ल तैयार कर ली है कि हाँ इमरान भाई मैंने 2 जोड़े 3 जोड़े या 4 जोड़े बना लिए बेहतरीन लाजवाब जोड़े हैं, तो वो भाई अपनी वीडियो बनाए कम से कम 2-4-5 मिनट की, उसमें पूरी बातें बताएं कैसे आपने तैयारी की है जोड़े की, कहां से जोड़ा लेके आए, कैसे लेके आए, क्या परख सीखी आपने, क्या पहचान है उनके अंदर, क्या चीज देख के लाए आप, सारी चीजें बता करके एक वीडियो बना करके मेरे पास भेजें, और पूरी दुनिया से पूरे भारत से अपील करें कि घर घर नस्ल कैसे बनेगी, इस तरह बनाए, ठीक है दोस्तों, तो जिस भाई ने अपने घर नस्ल बनाई है एक छोटी क्लिप बनाए और मेरे पास भेजे ताकि हम उसको YouTube पर दिखाए कि घर घर नस्ल बन रही है, क्या पता आपकी वीडियो को देखकर कोई दिल में आ जाए कि हाँ यार जब ये नस्ल बना रहा मैं क्यों नहीं बना सकता, मैं कौन सा पीछा हूं, हम भी नस्ल बनाएंगे, गलत तो नहीं कह रहा, गलत कह रहा हूं तो कमेंट में बताओ ना भाई, देरी क्यों कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट में बताना, अल्लाह।